और क्या कहती है रानी राजा से? न्यू बोली, ये तो चिड़िया एक चिड़ी ने ब्याह ली और वो आगी बन के घरियाली और चिड़िया एक ची करी, लेकिन शादी करने के बाद दो बच्चों को देकर के किसी कारण वो चिड़िया मर जाती है, तो चिड़ा दूसरी शादी करके लेके आ गया, लेकिन उन दोनों बच्चों को नहीं बता प्रेमी सजनों कि उनकी माँ मर चुकी है। पहली कली में बच्चे क्या विलाप करते हैं सुनेगा के बताया। चुका लेके आवेगी माँ चौकर लगाते होंगे भूख के रह भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे ओ भूख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे बुलाते होंगे पिता रे घूम के लाड करेंगे मुँह चूम चूम हो रे
बीमार हूँ, क्योंकि कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कि कौन चाहता है इतनी बड़ी मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये वक्त जो होता है इंसान को मजबूर बना देता है। आज रानी की कोई पेश नहीं चल रही, दूसरी गली में क्या हवाला सुना रही है, सुनेगा दिए पेट की तो फाड़ करके चिड़े की ना मार बसाई रोया नीचे आड़ करके बच्चों को मार दिया है। कि रानी तूने चिड़े की कहानी तो मुझे सारी सुना दी, आखिर तेरी आंखों में पानी आया तो क्यों आया, तू ऐसे रोई तो क्यों रोई। कि महाराज मेरे दिल में आज बहुत गहरा दर्द है, मैं तुम्हें खोल कर बताना चाहती हूँ कि मैं आज बीमार हूँ। ऐसा ना हो, क्योंकि मन के अंदर जब इंसान का दर्द होता है तो वो ही समझ सकता है। दुनिया वाले तो सिर्फ महसूस भी नहीं कर सकते, बातें बना सकते हैं। रानी सोचने लगी कि राजा को ये सारी बातें बताऊंगी, शायद मेरी बातों पे यकीन करे ना करे, लेकिन मन के अंदर क्या भाव आए तीसरी कली में के बताया कवि ने। मोसी बेटे खाने जीते जागते सपूत देखे आँखों के माँ पानी भर के दोनों अपने पूत देखे देखे जीव सा भी दुख भरे थे औरत के
हर चिड़ी की कहानी कह के दिल का मिटाया भाव। रानी ने दम तोड़ दिया स्वर्ग में झटे के पाम। रानी ने दम तोड़ दिया स्वर्ग में झटे के पाम। राव क्रिया लगे करण लाश की तुक बांधी गुरु शरण दास की। ओ राव क्रिया लगे करण लाश की तुक बांधी गुरु